एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल ठीक. आप सब बताइए. आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो कम से कम एक हफ्ता हो गया है व्लॉग, कोई भी व्लॉग नहीं आया. तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं. आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज है थर्सडे. तो आज बृहस्पति का दिन है. आज मुझे पूजा भी करनी है और काम भी करना है. तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं. मुझे बृहस्पति देव महाराज की जय. प्राचीन समय में इस देश में चक्रवर्ती राजा राज्य करता था. वह बड़ा ही धने धने के प्रति मंदिर के दर्शन करने जाता और कहूँ ब्राह्मणों की सेवा किया करता. उसके द्वार से कभी कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं रोकता. वह प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार का व्रत करता. ऐसा है गरीबों की सहायता किया करता, परंतु उसकी रानी को यह अच्छा नहीं लगता. वह ना तो व्रत करती, न ही किसी को एक दमली दान में देती, तथा राजा से भी ऐसा करने को कहती. एक सेकंड में एक ही बात है. राजा शिकार खेलने वन को गए. घर पर रानी और दासी थी. उस समय गुरु बृहस्पति देव का रूप धारण कर राजा के द्वार भिक्षा मांगने आए. तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ. मेरे से तो घर का कार्य समाप्त ही नहीं होता. इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है. आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह संधन नष्ट हो जाए, आराम से रह सकूं. साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो. संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होते. पापी पुरुष भी इसकी कामना करते हैं. हाँ, यदि अधिक धन है और भूखों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों का निर्माण करो, निर्धनों, कुआरी कन्याओं का विवाह करवाओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो जिसके आपके कुल और आपके नाम की ख्याति हो तथा परलोक सार्थक हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो. परंतु रानी साधु की इन बातों से प्रसन्न न हुई. वह बोली, हे महाराज, मुझे ऐसे धन का क्या प्रयोजन जिसके रख रखाव व दान में मेरा सब. तो बस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ उसके बाद किचन में और मुझे खाना बनाना है फटाफट खाना बना के, क्योंकि हस्बैंड को शॉप पर जाना था. तो सोचा फटाफट खाना बना लेती हूँ. गाय की रोटी निकालनी थी, भगवान जी को भी खिलाना था. और आज ये मेरा थोड़ा सा ना अलग रूटीन है. और आज अष्टमी, देवी की अष्टमी भी है और बृहस्पति की मैंने कथा भी कर ली थी. और शाम को ना मुझे कीर्तन में भी जाना था थोड़ी देर के लिए. तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ. आपके लिए मैं अपने स्किन टोन को क्लियर करने के लिए, चमक लाने के लिए एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो आप रोज़मर्रा में उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन वो चीज़ बहुत काम की होती है. मैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. तो मैं आप लोगों को वही वीडियो बताऊँगी. तो बस फ्रेंड्स, किचन का काम ख़त्म ही होने वाला था और मैंने ना वीडियो पहले बना के रख ली थी वो वाली, लेकिन मैंने इसमें ना वो ऐड कर दी थी. तो सोचा फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी. और आप लोग चाहे यूज़ करके देखना, आप इसको 15 दिन यूज़ करके देखना, आपको बहुत फ़र्क लगेगा. आपके जो डार्क सर्कल है या जो आपकी स्किन पे काले धाग धब्बे हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं. तो फ्रेंड्स, जब मैंने सब्जी कट की थी तो ये मैंने ना आलू के छिलके उठा के रख लिए थे. आलू के छिलके जब आप उतारते हो तो उस पर एक स्कार्च होता है, आप कभी भी देखना उसको छू के. तो जो आलू के छिलके आप तुरंत ही, जो इमीडिएटली, ये नहीं है कि आपने रख दिया और आप आधे घंटे बाद कह रहे हो कि हम उसको फेस पे लगा लें, ऐसा नहीं होता है. आप उसको इमीडिएटली अपने फेस पे लगाओ, फेस पे पूरे पे रब करो, उस पर एक वाइट कलर का स्कार्च हो जाता होता है. वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है. वो हमारे फेस की स्किन को ब्राइट करता है और जो काले दाग धब्बे फेस पर होते हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं. फ्रेंड्स, विंटर में जो आलू आते हैं उन पे छिलके नहीं आते हैं, आप लोगों को पता होगा. लेकिन जो गर्मियों में धीरे धीरे जब आलू का फसल चेंज हो जाती है तो आलू चेंज हो जाता है तो उस पे से छिलका उतरने लगता है. तो आप जब भी देखना, जब भी छिलका उतरेगा तो उस पे एक वाइट कलर का स्कार्च होता है, आप उसको अपने फेस पे लगाइए, अपने फेस पर पूरे रब कीजिए और जहाँ भी आपके फेस पे ब्लैकनेस है वो उसको ख़त्म कर देगा. और आपको ये लगातार 15 दिन करना है. ये नहीं है कि आपने एक दिन करा दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता. आप इसको लगातार करिए, आपको खुद इफ़ेक्ट दिखेगा. और मैं इसको करती हूँ.
मैं ज़्यादातर गर्मियों में करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में आलू थोड़ा अलग तरीके का आता है, उस पर कोई छिलका नहीं होता है, तो इसलिए मैं गर्मियों में ज़्यादा ये यूज़ बहुत करती हूँ। और आपने देखा भी होगा कि मेरे फेस पर कभी भी कोई भी दाग धब्बा नहीं होता है। तो बस फ्रेंड्स, यही आज एक थोड़ा छोटा सा ब्लॉग था, उसके बाद इवनिंग में मैं कीर्तन में चली गई थी, और यही आज आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल था। आप लोग इसका यूज़ करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अभी माता का कीर्तन भी आएगा, वो भी सुन के जाना। और मैं इसलिए टाटा बाय बाय कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर बात नहीं कर पाऊँगी, फिर आपको कीर्तन की आवाज़ आएगी, माता के भजन की आवाज़ आएगी, इसलिए मैंने सोचा आप वो सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो चलिए फिर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और कोई नया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मैं हर किसी की वीडियो को फुल वॉच करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। वरदान दो, मुझे ऐसा वरदान दो।